राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पद से इस्तीफे पर सुधीर मुनगंटीवार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि बहुत ही ज्येष्ठ जीवन सेवा में समर्पित करने वाले देवभूमि के मुख्यमंत्री अब अपने आने वाले जीवन को अध्ययन चिंतन में शांति से बिताना चाहते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस इस्तीफे के बाद कई नेता और कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पत्रकारों के भगत सिंह कोश्यारी के इस फैसले पर बात करते हुए कहा कि यह बहुत ही ज्येष्ठ जीवन सेवा में समर्पित करने वाले देवभूमि के मुख्यमंत्री रह चुके भगत सिंह कोश्यारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद लिखकर अध्ययन चिंतन करने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने तय किया है कि उम्र के साथ में अब वो अपने आने वाले जीवन को अध्ययन चिंतन मनन में शांति से बिताना चाहते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री उन्हें राजनीति और अपने राज्यपाल के पद से इस्तीफे की अनुमति प्रदान करें। राज्यपाल महोदय के सीधे साधे स्वभाव की वजह से जब कभी वो पिछली सरकार के कोई प्रस्ताव के बारे में मत व्यक्त करते थे और अपने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते थे, उसके बाद भी बड़े भद्दे शब्दों का इस्तेमाल उनके बारे में किया गया, ये कभी उचित नहीं रहा। इसके पहले भी कई राज्यपाल आए थे, उन्होंने भी राज्यपाल के नाते ऐसे ऐसे कुछ फाइल्स रखी थी कि जो फाइल पे वो कभी सिग्नेचर नहीं करते थे, हस्ताक्षर नहीं करते थे, ऐसा बहुत बार हुआ है। मगर राज्यपाल महोदय के बारे में जो भी हम शब्दों का उपयोग करते हैं वो शालीनता से हो या अपेक्षा हो। NBCN न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहोड़ के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।